नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आज एक हादसे की खबर थल क्षेत्र से आ रही है। पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में अलग अलग हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस थल शिव मंदिर के पुजारी मथुरा दत्त भट्ट निवासी धामी गांव का पैर फिसलने से वह असंतुलित होकर रामगंगा नदी में गिर गए। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष योगेश कुमार पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें गौचर अस्पताल पहुँचाया, पर अस्पताल पहुँचने से पूर्व ही व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंदिर के पुजारी की मौत की खबर से क्षेत्र में शोक व्याप्त है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में एक और हादसा हो गया, जिसमें एक पिकअप वाहन मैनपानी में अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसमें सवार चालक नीतीश चंद पुत्र किशन चंद निवासी भंडारी गांव रजवार मुआनी घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायल को खाई से निकालकर मुआनी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए 108 के माध्यम से घायल को जिला अस्पताल भेज दिया। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।